रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी मैं सेकंड डोज लगवाने आया था कोविड की, तो शहर आया था तो मैंने सेकंड डोज लगवाई है। उसके बाद मैं फ्री हो गया था। अभी मैंने जाना था एक जगह पे, तो थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली जाए, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज की व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो काफ़ी अरसे बाद ज़रा मैं बैठा हूँ वर्क स्टेशन पर। 2 साल जब से कोविड था तो वर्क फ्रॉम होम था, तो वहाँ पे तो सिंपल कोई वर्क स्टेशन नहीं है, और वहाँ पे तो बेड पे बैठ के लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं या सिंपल सी कोई चेयर होती है। तो आज काफ़ी अरसे बाद बड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे बंदा बड़ा कंफर्ट रहता है, कमर वगैरह नहीं दर्द करती। तो बहरहाल, तो अभी हम चलते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी एक मुजफ्फरगढ़ सिटी का थोड़ा सा ऊपर से व्यू दिखाते हैं, और उसके बाद एक रेलवे स्टेशन भी आप लोगों को थोड़ा सा विज़िट करवाएंगे, मुजफ्फरगढ़ का रेलवे स्टेशन। तो उस जब तक टाइम है, एक बंदे का वेट कर रहे हैं, वो बंदा आ जाए तो फिर हमने कहीं जाना था, तो फिर हम चलते हैं। तो लेट्स गो। बहुत ही नाइस व्यू है, सूरज ग़ुरूब हो रहा है, और ये मुजफ्फरगढ़ सिटी है, छोटा सा। ड्रोन कैमरा लेना पड़ेगा, ड्रोन कैमरे से ज़रा ना बहुत ही अच्छी अच्छी साइनामेटिक वीडियोज़ बनेंगी, और बहुत ही आप लोग इंजॉय करें ये अच्छी क्वालिटी की। तो अभी तो फ़िलहाल इसी को इंजॉय करें। हाँ है, बिल्कुल बैक साइड पे देखिए आप, मेरे सूरज आ रहा होगा, इस टाइम ग्रूप होने को है, और तकरीबन इस टाइम 4:30 हो चुके हैं, और ये मुजफ्फरगढ़ सिटी का व्यू है ऊपर से। ये मुजफ्फरगढ़ स्टेशन छोटा सा, यहाँ से कराची तकरीबन 1488 किलोमीटर है। सामने लिखा ये स्टेशन जो बना है ये 22/1887 का बना हुआ है, वो ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो लिखा हुआ है उसके। ये जी यहाँ पर ठेला था एक, जो कि रास्ते में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए पटरी के ऊपर, तो ये इसको लेके जाते हैं, आपने देखे होंगे अक्सर। अभी ट्रेन का टाइम था, थोड़ी सी लेट थी, तो वरना ट्रेन की वीडियो बनाते। पीछे से मुल्तान से आ रही है और पिंडी वाली साइड पे जा रही है, तो इसलिए हमने अभी निकलना था कहीं, तो जिसकी वजह से मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो शूट लेता जाऊँ, यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने जिसके थोड़ी सी वीडियो शूट ली हैं, तो अभी चलते हैं।
कोयटा गुलशन में पहुंच गए हैं। यहाँ से अभी रोशन का टेस्ट करते हैं, जो कि एक पठानों की डिश है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो अभी चलते हैं, ऑर्डर वगैरह देते हैं। ये जी रोश आ गया। ये जी एक होता है पीस, और इसके साथ ये यखनी होती है, साथ ये उन्होंने दाल वगैरह बनाई हुई है, तो ये बहुत टेस्टी होता है। सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।